हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम पात्रा बनाएंगे। गुजराती पात्रा या महाराष्ट्रियन में इसे आलू वड़ी भी बोलते हैं, तो ये हम बनाएंगे। पर आज हम इसे एक डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, बहुत इजी मेथड से बनाएंगे। इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाता है और बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं होता है और ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो अगर आप घाई घाई में है तो इसे आप 45 मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। तो ये देखिए गोल गोल कितने सुंदर लग रहे हैं, कि एक जैसे गोल बनते हैं। और इसे एक ट्रिक से बनाते हैं हम, वो मैं आगे आपको शेयर करूँगी। तो इसके लिए वीडियो के लिए एंड तक बने रहें साथ में। अब यहाँ पे हम इमली भिगो देंगे। 1/4 कप की जितनी मैंने यहाँ पे इमली ले ली थी, इसके मैं बीज निकाल दूँगी और इसके अंदर गर्म पानी डाल दूँगी। अब यहाँ पर इमली भिगोते वक्त मैंने एक गलती की थी कि मुझे गुड़ भी इसी में ऐड कर देना चाहिए था। तो आप जब भिगोए इमली तो गुड़ इसी के साथ ऐड कर दें, तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम ढक्कन लगाकर इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम पात्रा के जो पत्ते होते हैं, अरबी के पत्ते, इनकी स्टेम्स निकाल देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से धो दिया था और अच्छे से ड्राई कर दिया है पोंछ के, और फिर थोड़ी देर रख दिया था फैन के नीचे आधा घंटा। और इस तरीके से इसकी ये जो नसें हैं ये निकाल दें आप। इस तरीके से निकालने से जब हम खाते हैं तो ये मुंह में नहीं आती है और पात्रा जो है वो टेस्टी लगता है। अब ये स्टेप मुझे मेरी मम्मी ने बताया था, जैसे बेलन घुमा देते हैं तो इसकी जो नसें हैं वो बैठ जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ मोटी जो नसें हैं वो निकालनी रहती है। तो यहाँ पर अब हम ये सब इस तरीके से पत्ते रेडी करके साइड में रख देंगे। और इमली भी भीग गई है, आधा घंटा हो गया है, तो इसे मैं मसल के इसका पल्प निकाल दूंगी। इसको मैंने छान के ले लिया था। अब इसके अंदर मैं गुड़ डाल दूंगी। तो 1/4 कप के जितना यहाँ मैंने गुड़ लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। गुड़ की जगह पर आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इमली की जगह आप कोकम भी यूज़ कर सकते हैं भिगो के। अब यहाँ पे मैं 2 कप के जितना बेसन डाल दूँगी, बेसन को मैंने छान दिया था। इसमें मसाले डालेंगे, तो मसालों में लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसी के साथ थोड़ी सी हींग और स्वाद अनुसार नमक डाल दें। तो हींग ज़रूर डालें, ये बेसन है तो गैस नहीं करेगा। अब ये यहाँ पे पत्ते ले लिए मैंने, इसे इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। पतले पतले स्ट्रिप्स में आपको इसे कट करना है। तो जनरली हम जब पात्रा बनाते हैं तो लीव्स के ऊपर ये बैटर स्प्रेड करते हैं, फिर दूसरा लीव्स रखते हैं। तो ये जो अब थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो इस तरीके से नए तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें। ये टाइम भी बचाता है और खाने में भी टेस्टी है। हालांकि वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं पात्रा, और उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। तो यहाँ मैंने पत्ते कट कर दिए थे और अभी ये हम मिक्स कर देंगे बेसन वाला बैटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये मुझे गाढ़ा लग रहा है। तो आप बेसन की जो कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। तो यहाँ पर थोड़े पहले मैं तिल डालूँगी। तिल डालना ऑप्शनल है, पर तिल जब मुंह में आते हैं खाने में पात्रा में तो बहुत अच्छे लगते हैं। आगे हम इसका जो छोंक बनाएंगे उसमें भी तिल डालेंगे। तो अब यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये पात्रा जो है वो खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं, और अगर आप तीखा पसंद करते तो आप यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं। लहसुन पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नींबू निचोड़ दूँगी, तो मैंने 1 नींबू निचोड़ा है क्योंकि मेरे यहाँ खट्टे मीठे पात्रे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे नींबू निचोड़े, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम निचोड़ सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने जो पात्रे कट किए थे स्ट्रिप्स में वो डाल देंगे। तो इस तरीके से करने से टाइम बहुत सारा बच जाता है। अब इसे हमें हाथों से मिक्स करना है, स्पून से या स्पैटुला से ये अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। यानी कि पात्रा की जो लीव्स हमने काटी है उसमें ये बेसन अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हाथों से ज़रूर मिक्स करें उसे। और अब हमने जो ट्रिक लगाई थी गोल कैसे बने हैं ये पात्रा,
वो देखेंगे। तो इसके पहले हम इसके अंदर इनो डालेंगे जिससे कि ये पात्रा जो है वो खाने में सॉफ्ट बनेंगे। तो इनो यहाँ पे मैंने 3/4 सैशे के जितना डाल दिया था, और पात्रा के जो पत्ते हैं वो मैंने 10-12 पत्ते ले लिए थे। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट ज़रूर देखें। अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी, और एक यहाँ पे हम ग्लास लेंगे। तो ये जो पात्रा है वो मैंने ग्लास में बनाया है। तो यहाँ पे ये ग्लास है, इसको मैंने घी से या तेल से ग्रीस कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे तेल यूज़ किया है, आप घी या तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये बैटर डाल दें। बैटर डालने के बाद इस ग्लास को टैप करें इस तरीके से, ताकि इसका जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से अंदर तक जाए। नहीं तो क्या होगा, जब हम स्टीम करते हैं तो कहीं खाली जगह रह जाती है, तो वो एक अंदर खड्डा सा बन जाएगा। तो इसे टैप ज़रूर करें, हाथों से हल्के से प्रेस भी कर सकते हैं। पानी मैंने यहाँ बॉईल होने रख दिया था, और इसे मैं 25 मिनट तक स्टीम करूँगी। तो आप देखेंगे ये कितने बढ़िया फूले। अब नाइफ़ डाल के हम चेक कर लेंगे, तो 2 मिनट यहाँ पे और है, क्योंकि नाइफ़ पर ये बैटर चिपक रहा है। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया था, और इसे मैंने 6 से 7 घंटे तक ठंडा होने दिया है। तो जब भी आप पात्रा बनाएं ये स्टाइल से या वो स्टाइल से, पात्रा को बहुत अच्छे से 6-7 घंटा जो है वो ठंडा करें, और फिर उसे कट करें। तो यहाँ हम डीमोल्ड करेंगे ग्लास से। ये देखिए कितना बढ़िया निकले हैं एकदम, और बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। यहाँ तो मैंने यहाँ पे 4 रोल बनाए थे पात्रा के, और थोड़ा सा बैटर बचा था उसे इस कटोरी में बना दिया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे जो राउंड पीसेस कट करने हैं हमें, तो ये देखिए थोड़ा सा टैप नहीं हुआ है, तो इसके अंदर होल हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि टैप बहुत अच्छे से करें, और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दें। अब यहाँ पे इस तरीके से पतले पतले हम कट कर देंगे रोल्स इसके, और इसे हम शेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक्चुअल में पात्रा डीप फ्राई करने से टेस्टी लगते हैं, पर हेल्थ इश्यूज और डाइट की वजह से हम इसे शेलो फ्राई करते हैं। तो दोनों ही अपने आप में टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से पात्रे जो है वो कट कर दिए हैं, और अब हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। तो शेलो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत है, तो ऑयल डाल देंगे पैन में। और पैन में ही ऑयल की जब गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर हम राई, जीरा और तिल डाल देंगे। तिल ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये सब तड़केगा तब आप इसके अंदर जो पात्रा है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तड़क गया है, और मैं इस तरीके से पात्रा को शेलो फ्राई कर दूंगी। तो इस तरीके से आप को जैसे क्रंची चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ ये थोड़े से क्रंची खाते हैं, तो ये ऊपर की जो परत होती है उसकी क्रंची होती है, और अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं। तो इसे स्लो आंच के ऊपर फ्राई होने दें, और जब ये फ्राई हो जाए तो दूसरा बैच भी इसी तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना एक बहुत ही अच्छी और इजी रेसिपी। तो ये जो बिगिनर्स हैं वो लोग भी बना सकते हैं ये पात्रा, इतने ये इजी है। तो यहाँ पे अब मैं प्लेट में ले लूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। तो देखिए कितने बढ़िया और टेस्टी बने हैं। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे पहले दिन भी बना के रख सकते हैं रोल्स, और जब वो आए तो इसे फ्राई करके आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।